नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस के खास प्रोग्राम जनता मांगे जवाब में आपका स्वागत है। मैं हूं शोभित शर्मा। केंद्र सरकार के नए कृषि कानूनों को लेकर जहां किसान एक और आंदोलन पर डटे हैं, तो वहीं मोदी सरकार के एक और फैसले से अब एलोपैथी डॉक्टर्स आक्रोशित हैं। दरअसल केंद्र सरकार ने आयुष चिकित्सकों को सर्जरी करने की अनुमति दे दी है, जिसे लेकर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने न सिर्फ अपनी नाराजगी जताई है, बल्कि आईएमए की अपील पर डॉक्टर्स ने शुक्रवार को हड़ताल भी की। इस हड़ताल का सरकारी अस्पतालों के एलोपैथी डॉक्टर्स ने भी समर्थन किया है। हालांकि निजी अस्पताल की तरह यहां मरीजों को परेशानी नहीं होना पड़ा, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आयुष डॉक्टरों को सर्जरी करने की अनुमति मिलने पर आईएमए को अतराज क्यों है। सवाल यह भी है कि मिक्सोपैथी से अगर मरीजों का इलाज होगा तो क्या वो फायदेमंद रहेगा या मरीज की जान खतरे में पड़ जाएगी। आज इस पर विस्तार से बात होगी, लेकिन उसके पहले हम चलेंगे छत्तीसगढ़, जहां सत्ता परिवर्तन के 2 साल बाद भी 2 दर्जन से अधिक निगम मंडल आयोग ऐसे हैं जहां अब तक नियुक्ति नहीं हो सकी है। जबकि नियुक्तियों को लेकर प्रदेश कांग्रेस प्रभारी से लेकर मुख्यमंत्री, मंत्री, वरिष्ठ नेता आपस में कई बैठकें कर चुके हैं। पहली सूची जारी करने के बाद दूसरी चूड़ी पर पेच आखिर कहां फंस रहा है। कई नेताओं के बीच समन्वय की जगह नाराजगी की खबर आ रही है। क्या ये वो वजह है जिसकी वजह से देरी हो रही है? पीसीसी चीफ मोहन मरकाम तक नाराज हो गए थे, ये भी खबर बीच में सामने आई थी। इस बीच मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को ये भी कहना पड़ गया कि निगम मंडल आयोग में नियुक्तियों का विशेष अधिकार उनके पास है। हालांकि इन सबके बीच गलतफहमी को लेकर भी उन्होंने एक बहुत बड़ा बयान दिया है, जिस पर एक नई बहस भी शुरू हो सकती है। इधर बीजेपी कांग्रेस को लेकर चुटकी पर चुटकी ले रही है, लिहाजा जनता मांगे जवाब में पहले चर्चा निगम मंडल की फांस के इसी मुद्दे को लेकर। छत्तीसगढ़ में निगम मंडल और आयोग में नियुक्तियों की पहली सूची करीब 3 महीने पहले आई थी। तब कई विधायकों समेत वरिष्ठ नेता एडजस्ट हो गए थे, लेकिन उसके बाद से दूसरी सूची पर जो मंथन शुरू हुआ वो अब तक जारी है। सरकार को जिन जगहों पर विधायकों, नेताओं और कार्यकर्ताओं को नियुक्ति देनी है, उसमें राज्य पर्यटन मंडल, कृषि उपज मंडी बोर्ड, पर्यावरण संरक्षण मंडल, माटी कला बोर्ड, केश शिल्प कल्याण मंडल, मार्कफेड, ग्रेब्रिज कारपोरेशन, अनुसूचित जाति आयोग, छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग समेत तमाम जगह नियुक्तियां होनी हैं। इनमें किसे कहां एडजस्ट करना है, इसे लेकर नामों पर शायद सहमति नहीं बन पा रही है, लिहाजा दूसरी सूची अटकी पड़ी है। आखिर पेच कहां फंस रहा है और सीएम भूपेश बघेल ने ऐसा कौन सा बड़ा बयान दिया है जिस पर नई बहस भी शुरू होने वाली है, इसे लेकर एक रिपोर्ट देखते हैं और फिर चर्चा शुरू करेंगे इस पर। निगम मंडल में नियुक्ति है वो मुख्यमंत्री का विशेष अधिकार होता है, जिसे चाहे नियुक्ति कर सकता है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जो कह रहे हैं वो पूरी तरह सच है। निगम मंडल आयोग में नियुक्ति का विशेष अधिकार मुख्यमंत्री के पास ही है, लेकिन वो चाहते हैं कि सभी नेताओं के बीच समन्वय और संतुलन रहे, मगर कई बैठकों के बाद भी ये नहीं हो सका। लिस्ट फाइनल होते ही किसी न किसी नाम पर पैंच फंस जा रहा है। 9 दिसंबर को हुई बैठक को लेकर तो खबर यहाँ तक आई कि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम नाराज हो गए हैं, इसलिए वे मुख्यमंत्री निवास में आयोजित बैठक में शामिल नहीं हुए। हालांकि पीसीसी चीफ से लेकर मुख्यमंत्री तक ने इस बात को सिरे से नकारा। देखिए, सामूहिक नेतृत्व का यही है कि सबसे रायशुमारी करके, सबसे बातचीत करके कोई फैसला ले। वहीं सबके बीच सीएम भूपेश बघेल ने एक और बड़ा बयान भी दिया है। दरअसल उन्होंने कहा है कि आलाकमान के निर्देश पर वो इस्तीफा भी दे देंगे, लेकिन गलत फहमी फैलाने वाले सचेत हो जाएं। हाईकमान बोले मैं तत्काल इस्तीफा दे दूंगा, आपसे बात करते हुए यदि फोन आ जाता है तो मैं चल लूंगा यहाँ से वापस। मुझे इस पद का मोह नहीं है, लेकिन जो जिम्मेदारी दी है उसका निर्वहन कर रहा हूँ, और कोई यदि इस प्रकार से गलत फहमी पैदा कर रहा है, चाहे कोई भी हो, उसको सचेत रहना चाहिए कि इस प्रकार से गलत फहमी पैदा करके प्रदेश का हित नहीं कर रहे हैं वो लोग। गलत फहमी फैलाने को लेकर सीएम भूपेश बघेल कितने गुस्से में हैं, ये उनकी बातों से साफ झलक रहा है। हालांकि अभी असली पैच निगम मंडल की दूसरी सूची को लेकर फंसा है। तमाम माथापच्ची के बावजूद सेकंड लिस्ट अब तक फाइनल नहीं हो पाई है। इधर नियुक्तियों में हो रही देरी को लेकर विपक्ष ने कांग्रेस पर तंज कसा है। बीजेपी के मुताबिक सरकार छत्तीसगढ़ से नहीं दिल्ली से चल रही है, इसलिए भूपेश सरकार नियुक्ति नहीं कर पा रही। तो सरकार तो दिल्ली से चल रही, छत्तीसगढ़ से चल नहीं रही है, और करें नियुक्ति जितनी करनी है, लेकिन सरकार मजबूत सरकार नहीं है। 70 विधायकों के समर्थन के बाद भी यह सरकार मजबूर सरकार है।
साल 2018 में 15 साल बाद छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की वापसी हुई। ऐसे में पार्टी से जुड़े नेता और कार्यकर्ता इस कोशिश में हैं कि किसी न किसी जगह पे एडजस्ट हो जाएं। लिहाजा भूपेश इस सरकार के सामने बड़ी चुनौती है। अब इस चुनौती को पार कर सरकार दूसरी सूची कब जारी करेगी, इस पर सबकी नजर है। साथ ही एक सवाल ये भी उठ रहा है कि सीएम भूपेश बघेल ने आलाकमान का निर्देश मिलने पर इस्तीफा देने की बात कही तो क्यों कही, उनके इस बयान के पीछे की आखिर असल वजह क्या है, जनता ये भी जानना चाहती है। रायपुर से हेमंत शर्मा के साथ वैभव शिव पांडे की रिपोर्ट। तो निगम मंडल की फांस, इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ रायपुर से जुड़ गए हैं कांग्रेस प्रवक्ता है घनश्याम राजू तिवारी जी। तिवारी जी आपका बहुत स्वागत है। बीजेपी नेता केदार गुप्ता जी, केदार जी आपका भी बहुत स्वागत है। हमारे साथ दो वरिष्ठ पत्रकार भी जुड़े हुए हैं, राम अवतार तिवारी जी है, तिवारी जी आपका स्वागत है, और वरिष्ठ पत्रकार के अग्निहोत्री जी हमारे साथ भोपाल स्टूडियो में मौजूद है। अग्निहोत्री जी आपका भी बहुत स्वागत है। तिवारी जी पहले आप ही के पास आऊंगा, क्योंकि कांग्रेस पार्टी का मामला है, निगम मंडलों में नियुक्ति होनी है, देरी पर देरी आखिर क्यों हो रही है? तिवारी जी सबसे पहला सवाल तो यही है आपसे। ये देरी का जो विषय है ये मीडिया का विषय है, और जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी इन नियुक्तियों पर जो बयानबाजी कर रही है वे तुक्के बयानबाजी कर रही है। देखिए पिछले वर्ष लगातार चुनावी वर्ष था, चाहे लोकसभा के चुनाव हो, नगर निगम के चुनाव हो, या फिर पंचायती राज के चुनाव। ये साल बीता ही नहीं कि मार्च 2019 के बाद से लगातार कोविड जैसी एक महामारी पूरे देश में और छत्तीसगढ़ में फैली हुई थी, जिसके कारण से पहली चुनौती इस बीमारी से प्रदेश की जनता को सुरक्षित रहना रखना ये सरकार की जिम्मेदारी थी, और उन परिस्थितियों से लड़ते हुए ये परिस्थितियां निर्मित हुई कि आज कहीं ना कहीं जो निगम मंडल में नियुक्तियां हुई उसको लेकर तमाम हमारे बड़े नेता, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष, हमारे प्रदेश के मुखिया इस पर बैठक करके एक विचार विमर्श कर रहे, तालमेल बिठाने की कोशिश उससे की जा रही है कि 15 वर्षों के बाद प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आई है, और जिन कार्यकर्ताओं ने लंबे संघर्ष के बाद जो आंदोलन प्रदर्शन में लगातार शामिल रहे, जिन्होंने संघर्ष किया, लाठियां खाई, डंडे खाए, ऐसे चेहरों को निश्चित तौर पर चिन्हित करना एक कठिन काम जरूर है, परंतु यही काम हमारे सभी वरिष्ठ नेतागण बैठकर हर कार्यकर्ताओं के राजनीतिक अनुभव, राजनीतिक उनकी पृष्ठभूमि और उनके किए हुए कार्यों की समीक्षा कर रही है, और मैं समझता हूँ आने वाले 2-4 दिनों में ये सूचियां सामने होंगी। परंतु जो बातें भारतीय जनता पार्टी और तमाम इस विषय पर बातें आ रही है, मैं समझता हूँ कि संगठन और सत्ता दोनों ही महत्वपूर्ण से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है प्रदेश की जनता के विकास के चीजों को सुरधार्य रखना। तो मैं इस बात को कह सकता हूं कि भूपेश बघेल जी ने जो एक परिकल्पना की है गढ़बो नवा छत्तीसगढ़, तो गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ के लिए जो भी निगम मंडल आयोग में नियुक्तियां होंगी उनके विचार, उनके उनके कह सकते अनुभव, ये सारे चीजें तलाशे जा रहे हैं, इसलिए ये समय लग सकता है और 2-4 दिन में ये नियुक्तियां सामने होंगी। हम आपके तिवारी जी एक सवाल ये है, आपने कहा कि कोरोना काल है इस वजह से देरी हो रही है, लेकिन सवाल इस बात का है कि कोरोना काल में ऐसी कोई भी गतिविधियां नहीं है जो रुकी हुई। ठीक है कई चीजों में देरी हुई है, उपचुनाव आपने करवाया अच्छे से संपन्न हुआ, उसके बाद आपने जो निगम मंडलों आयोग में जो नियुक्तियां होनी थी उसकी पहली सूची जारी हो गई, सब जो है जो नेता कार्यकर्ता विधायक थे वो एडजस्ट हो गए, लेकिन 3 महीने अब जब होने को आए हैं ऐसी सूरत में दूसरी सूची नहीं आ रही है, वो भी तब जब लगातार मंथन हो रहा है, मंथन का दौर ऐसा भी नहीं है कि अभी शुरू हुआ, काफी लंबे समय से चल रहा है, उसके बीच में काफी ये भी बात आई कि मोहन मरकाम जी जो है पीसीसी चीफ वो खुश नहीं है, उसके बाद सीएम भूपेश बघेल ने भी इसको स्पष्ट किया कहीं कोई मतभेद या कहीं कोई समस्या नहीं है, लेकिन यहाँ बात सवाल विपक्ष का नहीं है कि विपक्ष ये सवाल उठा रहा है, चूंकि देरी हो रही है इसलिए सवाल उठ रहा है, और आपने जैसा कि कहा कि मीडिया इसको उठाता है, देरी हो रही है मीडिया का विषय है, तो आप जब आप सरकार जो करती है विपक्ष जो करता है मीडिया वही विषय को उठाता है, तो हम तो सीधे आपसे सवाल करेंगे कि देरी क्यों हो रही है, आखिर पेच कहां पर फंस रहा है, कौन से ऐसे नेता विधायक कार्यकर्ता है जो नहीं मान रहे हैं, किन की वजह से मुश्किलों का सबब बना हुआ है, जहां भी जो फांस फंसी हुई है। तिवारी जी, शोभित जी साख कहीं नहीं फंसी है, सीधे तौर पर सत्ता और साख नहीं, साख की बात नहीं कर रहे, फांस फंसी हुई है, साख की बात नहीं कर रहे, फांस फंसी हुई है, चलिए सांस ही सही, कहीं सांस नहीं फंसी हुई है, सांस नहीं, वो मारी जी फांस, फांस की बात कर रहे हैं हम। चलिए आप जो प्रश्न कर रहे हैं मैं उसके सीधे जवाब पर आता हूँ, किसी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, जिस प्रकार की बैठकों का दौर चल रहा है ये मान के चलिए कि खाली नियुक्तियां मात्र ही सरकार की
या फिर संगठन की जिम्मेदारी नहीं, ऐसे व्यक्ति जो उन विभागों की जानकारी रखते हो, उन विषयों की जानकारी रखते हो, उन लोगों को भी चयन करना एक प्राथमिकता हमारी है। और जिस प्रकार से मुख्यमंत्री जी जो का जो बयान है, जिसको तोड़ मरोड़ कर मैं समझता हूँ पेश करने की कोशिश हो रही है मीडिया में, वो स्वयं इस बात को कह रहे हैं कि मैं जिसके लिए हकदार हूँ उसको मैं कहीं ना कहीं सभी लोगों से चर्चा राय मशवरी करके करना चाहता हूँ। ये तो उनका बड़प्पन है, ये तो उनका कहीं ना कहीं संगठन के ओर से कह ले, चूंकि वो तत्कालीन प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे हैं मुख्यमंत्री के पहले, तो बेहतर रूप से जानते हैं कि सभी को साथ लेकर चलना, सभी के राय शुमारी करना, ये करके वो अपने अधिकारों का उपयोग करेंगे। तो मैं समझता हूँ इस पर बयानबाजी नहीं होनी चाहिए। रही बात कि मोहन मरकाम जी क्यों चले गए, तो मोहन मरकाम जी क्यों चले गए ये तो हम बेहतर बताएंगे, क्योंकि उनके क्षेत्र विधानसभा में कोंडागांव में कार्यक्रम तय थे और उन कार्यक्रम में वो मुख्य अतिथि थे, इसलिए उन्हें जाना था। अब इसे कहा जाए कि वो इन कारणों से चले गए, तो ये कपूर कास्पिक प्रश्न है और इस प्रश्न पर मैं नहीं समझता कि बहुत ज्यादा कोई जवाब देने की आवश्यकता। ठीक है, तिवारी जी आपके पास आऊंगा। केदार जी, आप उनका पार्टी का आंतरिक मामला है, आप उसमें क्यों बीच में जो है लठ भाज रहे हैं? भाई उनका नियुक्तियां करना है, वो देखेंगे, जब जो बेहतर उनको शख्स मिलेगा उसकी नियुक्ति वहां कर दी जाएगी। आप बिना बेवजह की बातें कर रहे हैं, कांग्रेस का ऐसा कहना है? नहीं, बेवजह की बात नहीं है। देखिए, कांग्रेस पार्टी तो ये भी कह रही है कि ये विषय मीडिया उठाता है जी, पर मेरा कहना है कि जब ये कहते हैं, जब ये बात सामने आती है और उस पर प्रश्न खड़े होते हैं जी। आज से 4 महीना 6 महीना पहले से ये कह रहे हैं कि दूसरी सूची जल्द आ जाएगी, परंतु सब इंतजार कर रहे हैं, सूची आ नहीं रही है। और जब सूची की बात होती है तो दिल्ली के दौरे शुरू हो जाते हैं। तो छत्तीसगढ़ सरकार को, संगठन को, कांग्रेस पार्टी के कोई पावर है कि नहीं है? केदार जी, आपकी जगह मैं बीच में आपको थोड़ा सा रोक रहा हूँ। दिल्ली आपने जाने की बात कही, दिल्ली तो स्वाभाविक है क्योंकि आला कमान वहां पर है, बीजेपी भी कुछ होता है तो आला कमान से पहले अनुमति ली जाती है, पूछा जाता है, तो इसमें क्या गलत है? नहीं, निगम मंडल के लिए भारतीय जनता पार्टी में यहाँ की बॉडी बैठ कर तय कर लेती है, यहाँ समिति है, उसको पूरा पावर है जी। भाई निगम मंडल के लिए आपको दिल्ली भागने की जरूरत पड़ रही तो उसका कारण है, मेरे बोलने का भी कारण है। पार्टी में आंदोलन या असंतोष है और कह देते हैं ये जो नाम तय हुए हैं ये हाईकमान ने तय किए हैं, और हाईकमान ने तय किए हैं इसलिए आप सब लोग चुप हो जाओ, तो असंतोष को दबाने की एक प्रक्रिया है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। इससे बड़ा असंतोष और क्या हो सकता है कि निगम मंडल की बैठक चल रही है कि इसको तय करना है, मुख्यमंत्री जी ले रहे हैं और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष वहां से उठकर चले जाते हैं, कहते हैं कि मैं कार्यक्रम में बिजी हूं। तो क्या पहले से अपॉइंटमेंट नहीं था क्या इसका, बैठक का क्या पहले बताया नहीं गया था क्या ये महत्वपूर्ण बैठक है? और लगातार बहानेबाजी करना, अरे असंतोष है तो है, कहीं कोई विधायक को सेट कर रहे हैं, कितने विधायक आ गए इसमें निगम मंडल में, आप गिनती करिए तो मुझे ऐसा लगता है 45 से ज्यादा विधायक, जबकि ये विधायक तो वो है ही, कार्यकर्ताओं को ये पद देना था, जो कार्यकर्ता मेरे भाई घनश्याम राजू तिवारी जैसे मेहनती कार्यकर्ता, इनके जैसे सैकड़ों कार्यकर्ता है, उनको छोड़कर और विधायकों को निगम मंडल में बिठाया जा रहा है, ये कौन सा पार्टी का आंतरिक लोकतंत्र है? इसमें तो असंतोष पैदा होगा, जो असंतोष दिख रहा है वो सही है, कांग्रेस का असंतोष, इसमें कार्यकर्ताओं के हक को छीना जा रहा है, बार बार दिल्ली भाग रहे हैं और बात आती है तो कहते हैं अभी इस्तीफा दे देंगे तभी इस्तीफा। अरे भाई मांग कौन रहा है? और टीएस सिंहदेव साहब बोले थे कि अगर धान की आखिरी किस्त अगली धान खरीदने के पहले नहीं मिली तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। ये कांग्रेस में महत्वपूर्ण लोग इस्तीफे के पीछे क्यों पड़ गए भाई? भारतीय जनता पार्टी ने तो कभी किसी का इस्तीफा मांगा नहीं, यही कहते हैं तब हम लोग बोल देते हैं। कौन सी बात है? 70 विधायक हैं और इनमें क्यों ये इस्तीफे की होड़ चल रही है कि मैं दे दूंगा? ठीक है, तिवारी जी जवाब ले लेते। तिवारी जी, आप कुछ कहने भी जा रहे थे और गुप्ता जी की बातों का जो सवाल उन्होंने किया उसका भी जवाब। निश्चित ही इस्तीफे की पेशकश की बात इसलिए होती है जी कि हमारे आला नेता, हमारे नेतृत्वकर्ताओं में सत्ता का लालच नहीं है जी, और मैं समझता हूँ कि जिस सत्ता की कुर्सी पर वो बैठे हैं वो सर्वोच्च पद है,
लेकिन जनता के विकास के लिए अपने पद के आगे उनके आगे ये सब चीजें मैंने नहीं रखती। इस्तीफा देने की पेशकश की बात यह है, केदार जी उसको दूसरे ढंग से ले रहे हैं। रही बात कार्यकर्ताओं की नियुक्ति की, तो केदार जी निश्चित ही आपकी सिंपैथी मेरे प्रति, उसके लिए मैं आपका आभारी हूँ, परंतु मैं इस बात को कह सकता हूँ बड़ी ईमानदारी से कि भूपेश बघेल जी पूर्व में प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं, डीएस सिंहदेव जी नेता प्रतिपक्ष रहे हैं और तमाम हमारे जितने वरिष्ठ नेतागण हैं वो संगठन में लंबे समय तक काम करते हैं, उन्हें पता है कि कौन कार्यकर्ता बेहतर रूप से पार्टी के लिए काम किया है, निष्ठावान कार्यकर्ता है, किन्हें टिकट की जरूरत थी टिकट नहीं मिल पाई और कौन लोग वो पोर्टफोलियो रखते हैं कि आज निगम मंडल में उनकी आवश्यकता है, किसी की समीक्षा हो रही है और बेहतर नाम हो, बेहतर कार्यकर्ताओं का चयन हो, किसी के साथ अन्याय ना हो, ये सारी परिस्थितियों के आधार पर निर्णय हो रहे हैं। इसे कह देना कि दिल्ली तय करेगी, भाई राष्ट्रीय अध्यक्ष है, पार्टी एक अलग अमान होती है, तो मैं समझता हूँ ये तो भारतीय जनता पार्टी में भी ये परंपराएं हैं। और रही बात विधायकों की नियुक्ति की, तो मैं पूछना चाहता हूँ केदार जी से, देवजी भाई पटेल विधायक थे, सीनियर विधायक थे, लेकिन वो पाठ्य पुस्तक निगम के अध्यक्ष थे, तो विधायकों को तो आपने भी निगम मंडल में बनाया है, तो ये पार्टी के अंदर अपनी एक व्यवस्था होती है, इन व्यवस्था के आधार पर ये चयन होते हैं। निश्चित ही कि सीटें तय नहीं है, सीटें कम है लेकिन कार्यकर्ता अधिक है, इसी की समीक्षा की जा रही है कि कौन सत्ता के साथ काम करेगा, कौन संगठन के साथ काम करेगा, किसे कहां किस तरीके एडजस्ट किया जाएगा। निश्चित ही कार्यकर्ताओं का हक है और अधिकार है और वहीं पर किसी प्रकार का कुठाराघात न हो, ये चिंता हमारे नेताओं को है, इसलिए बैठकों का दौर चल रहा। मैं आश्वस्त करता हूँ शोभित जी कि आने वाले 3 से 4 दिनों के अंदर में ये सारी सूचियां सामने होगी, तब यही भारतीय जनता पार्टी कहेगी कि फलाने कार्यकर्ताओं को क्यों नहीं लिया, फलाने विधायक को क्यों ले लिया, तो इन्हें क्यों लगाने का जो अधिकार है ये अपना सवाल करते रहे। गुप्ता जी मैं आपके पास आऊंगा, हमारे साथ रामावता तिवारी जी भी हैं, क्योंकि आपने अपनी बात कही है, तिवारी जी ने अपनी बात कही है, एक बार मैं बस गुप्ता जी आपके पास आऊंगा, थोड़ा सा तिवारी जी की भी टिप्पणी देख लेते हैं, क्योंकि वहां से सटीक टिप्पणी निकल के आएगी जो निगम मंडल में जो देरी हो रही है, किस वजह से देरी हो रही है, तिवारी जी बेहतर बता सकते हैं कि वाकई में कुछ बेहतरी के लिए देरी हो रही है या कुछ गड़बड़ है, असंतोष पर अपने का डर है, इस वजह से देरी हो रही है, तिवारी जी आपसे समझना चाहेंगे। देखिए एक तरफ 15 साल का संघर्ष है, दूसरे तरफ अपार जन समर्थन मिला है, तो इस और तीसरे आगे की रणनीतियां कैसे हो पार्टी की, तीन ऐसी बातें हैं उसके कारण पार्टी के नेतृत्व को अलग अलग तरीके से सोचना पड़ रहा है। पहले ये कि 15 साल जिन्होंने संघर्ष किया उस संघर्ष में जो लोग थे उनको शामिल किया जाए, ये एक बहुत जरूरी चीज है, क्योंकि जो जिनने लंबी लड़ाई लड़ी आज उनको सम्मान मिलने का एक उचित अवसर है। अब वो दो साल हो गए, 2 साल नहीं होना चाहिए था, पहली सूची के समय ही सूची आ जानी चाहिए था मगर नहीं आई, अब लगातार अनेक अनेक कारणों से लंबा होने से जो कार्यकर्ता प्रतीक्षा कर रहे हैं, जिनको आशा है, उन लोग को भी लगने लगा कि अरे भाई आ रही सुनते सुनते इतना लंबा हो गया, दिवाली आ गया, दिवाली के समय कुछ महत्व मिल जाता नहीं मिला, तो लोगों को लंबा इंतजार है। दूसरे तरफ अपार जन समर्थन जो जनता से मिला है उसके बीच बहुत सारी जिम्मेदारी पार्टी की बन गई है, तो ऐसे में कई विधायक जीत के आ गए हैं, उनको लग रहा है कि हमको मंत्री नहीं बनाया गया तो कम से कम निगम मंडल बन जाए, वो एक चीजें आ रही है लगातार और दबाव भी बन रहा है। तीसरे बार अगर इसके बीच जो कोई भी सरकार चाहती है कि हम रिपीट हो जाएं, तो रिपीट होने के लिए इसके बीच जो सक्रिय कार्यकर्ता हैं, जो अच्छी छवि के हैं, जिनकी सोच है, जिनको मैदान में पकड़ है, क्या वैसे लोगों को स्थान नए चेहरों को मिल पाएगा, तो एक अलग अलग चीजें पार्टी के भीतर होने के कारण। दूसरा ये कि व्यक्तिवाद, कुछ नेताओं के दबाव होंगे, जो उनके साथ सक्रिय थे वो हमारे समर्थकों को ले, निश्चित तौर पे ये बात हो, कहीं ना कहीं पार्टी के नेताओं के बीच समन्वय नहीं होने के कारण लगातार बैठकों का दौर बढ़ता जा रहा है, अगर आपसी समन्वय होता तो ये स्थितियां उत्पन्न नहीं होती। ये बात सही है कि भूपेश बघेल जी ने कहा कि मेरे को अधिकार है
उसके बावजूद भी मैं समन्वय करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो एक समन्वय की कोशिश में ही विलंब हो रहा है और जो कार्यकर्ता है उनको लग रहा है कि अब मिल जाए लड्डू, कम से कम सत्ता का सुख उनको भी मिल जाए, इतने लंबे समय तक संघर्ष था। तो ऐसी स्थिति में पार्टी के सामने एक कठिन चुनौतियां हैं। चुनौती ये है कि अगर वो सही चयन हुआ तो वो पार्टी आगे रेस कर पाएगी, अगर चयन खराब हो गया तो असंतोष बढ़ेगा, तो असंतोष के बीच कैसे फिर विधानसभा चुनाव जो आगे लड़ना है तो कैसी स्थितियां अच्छी बनेगी, तो कई प्रकार की चुनौतियां हैं। अब हो सकता है कि नए लोगों को लिया जाए, हो सकता है संगठन में लोगों को एडजस्ट किया जाए, तो क्या क्या रणनीति बनती है आगामी कुछ दिनों में ये उभर के आएगा। जब ये कहा जा रहा है कि 17 तारीख को 2 साल पूरे होंगे तो 2 साल होने के पहले ही सूची जारी कर दी जाएगी जी। उस सूची में किस नेता को ज्यादा तवज्जो मिलता है, जाति समीकरण देखते हैं या संघर्ष देखते हैं या किसी व्यक्ति से जुड़े कार्यकर्ता को पद दिया जाता है, तो कई ऐसी बातें हैं। कहा जा रहा है कि जो जो बड़े नेता हैं वो सिफारिश कर रहे हैं उनको ज्यादा पद दिया जा रहा है, जो संघर्ष किए जो 15 साल तक उनकी उपेक्षा होने का डर है, तो कई ऐसी बातें जो सामने आ रही है। तो ऐसे स्थितियों में क्या निर्णय होता है, अलग अलग तरीके से जो समीक्षाएं आ रही है उनमें कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा है कि मंथन में ये बातें आ रही कि असंतोष उभर कर ना आए, क्योंकि बड़ा मौका है सरकार में पद देने का। ऐसे समय में सही लोगों को एडजस्ट किया गया तो पार्टी को आगामी समय संघर्ष करते हुए एक अच्छा संदेश जाएगा और उसका फल पार्टी को आगामी समय हो सकता है। ठीक है, ठीक है रावतवाल जी। केदार जी आप कुछ कहना चाह रहे थे, आप अपनी बात कहिए फिर हम जी। मैं यही कह रहा हूँ जैसे राम अवतार जी कह रहे हैं कि बड़े बड़े नेताओं के बीच समन्वय नहीं हो रहा है और इसलिए बैठकें आगे बढ़ती जा रही है। मैंने उसी को कहा कि भाई पार्टी में असंतोष है, समन्वय का नहीं होना मतलब स्पष्ट रूप से है कि समन्वय वहां नहीं होता जहां असंतोष होता है। तो भारतीय जनता पार्टी शुरू से कह रही है, हालांकि कांग्रेस का आंतरिक मामला है पर ये असंतोष अगर रहेगा और जी गुप्ता जी कहिए, फिर सरकार रहेगी तो प्रदेश का भला कैसे होगा जी, कभी भला नहीं हो सकता। और जिस पार्टी में 70 विधायक हो और 45 विधायकों को मंत्री संसदीय सचिव निगम मंडलों में बैठाल दिया, उसके बाद कार्यकर्ता बिचारे पीछे छूट गए, वहां समन्वय कैसे होगा, वहां तो असंतोष होने ही वाला है। अभी अभी भी सुनने में आ रहा है कि 4-5 विधायकों को इसमें फिर से सेट करेंगे, तो ये सेटिंग का काम कांग्रेस क्यों कर रही है, क्यों अच्छे कार्यकर्ताओं को सामने लाकर उनको निगम मंडल क्यों नहीं सौंप रही है, पहली बात। दूसरी बात देखिए कितनी विरोधाभास चीजें हैं कांग्रेस पार्टी में और इस शासन में। ये कहते हैं कोरोना के कारण आय घट रही है इसलिए हम खर्चा कम करेंगे, तो माननीय मंत्री जी लोगों ने अपने काफिले में गाड़ियां कम कर दी, इसको प्रचारित करते हैं, पर जहां 100-200 करोड़ रुपए का खर्च महीने का सरकार के सिर पर आना है, जनता की गाड़ी कमाई जानी है, कोरोना काल चल रहा है पैसा नहीं है, वहां निगम मंडल के पीछे पड़े हैं, एक लिस्ट जारी कर दी कोरोना के समय, दूसरी जारी करने वाले हैं, तो आखिर ये इनका क्या विचारधारा है, कैसे आगे बढ़ना चाहते हैं, इस्तीफे की बात बार बार क्यों बड़े बड़े नेता करते हैं मंत्री करते हैं, समझ के बाहर है। ये अंतर कला का परिणाम है कि बार बार कहना पड़ता है। ये भी कहा है कि मुख्यमंत्री बार बार वही बदलता है जहां गठबंधन वाली सरकार होती है वहां 1-2 साल का मुख्यमंत्री रहता है और जहां मजबूत सरकार होती है वहां का मुख्यमंत्री पूरा कार्यकाल पूरा करता है। हम नहीं कह रहे ना, ये जो चर्चा है ये उन्हीं के मंत्री माननीय मुख्यमंत्री जी भी तो कह रहे हैं, माननीय टीएस सिंहदेव जी भी कह रहे हैं, हम थोड़ी कह रहे हैं, चलिए हम तो खाली याद दिला रहे हैं। तिवारी जी किसानों की अगर किस नया धान खरीदने के पहले तिवारी जी हैं वो इस बात को अच्छी तरीके से बता पाएंगे। टीएस सिंहदेव जी बोले मैं इस्तीफा दे दूंगा, ये बात उन्होंने क्यों कही, अभी तक इस्तीफा टीएस सिंहदेव जी का नहीं हुआ, उनका असल मतलब क्या था ये घनश्याम जी बेहतर बता पाएंगे। घनश्याम जी जी मुख्यमंत्री को इस्तीफा देने वाली बात क्यों कहनी पड़ रही है? देखिए शोभित जी, मैं इस मुख्यमंत्री जी के बाइट के विषय पर जो मुझे जानकारी प्राप्त हुई है कि आज उनसे
किसी पत्रकार साथी ने इस विषय पर कोई सवाल किए, तब उन्होंने कहा कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया से चुनी हुई सरकार है, विधायक दल के नेता ने उनका नाम तय किया हुआ है और पूर्ण बहुमत की सरकार है, 5 साल कार्य करने का अवसर है। लेकिन जो लोग भी अगर इस प्रकार के भ्रम फैला रहे हैं, ये उचित बात नहीं है, ये विकास को कहीं ना कहीं अवरुद्ध करने की बात है, ये उस जवाब का पूरा सवाल है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी आधे शब्दों को खाकर आधे शब्दों को इस प्रकार से जनता के बीच दिग्भ्रमित या फिर भ्रम फैलाने का प्रयास जो कर रही है। घनश्याम जी, मैं आपको बता दूं कि जो दिखाई पड़ रहा है, पीएस सिंहदेव जी ने से पूछा गया था, 2-3 दिन पहले की बात है, उनसे पूछा गया था कि जो है मुख्यमंत्री को लेकर कि मुख्यमंत्री, तो उन्होंने कहा था कि मुख्यमंत्री 2 दिन का भी होता है, 2 साल का भी होता है, 2.5 साल का भी होता है। तो उन इस सवाल पर जो है मुख्यमंत्री जी ने इस तरह का जवाब दिया था। मुझे इस बारे में जानकारी नहीं है शोभित जी, मैंने बहुत ज्यादा इस विषय को देखा नहीं है जी। अगर इसका जवाब चाहिए तो मुझे लगता है कि पीएस सिंहदेव जी बेहतर रूप से इसका जवाब दे सकते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी जवाब दे सकते हैं। चलिए ठीक है, यहाँ पे वरिष्ठ पत्रकार अग्नोत्री जी बैठे हुए हैं, अग्नोत्री जी से जानने की कोशिश करते हैं कि इस तरह का ने तो कहा था ना कि किसानों को अगर चौथी किस्त तो दूसरा धान खरीदने के पहले नहीं दोगे तो इस्तीफा दे दूंगा, ये तो सुने होंगे घनश्याम भाई। ठीक है, किसान जी का बयान सुने होंगे, किसानों का पैसा नहीं मिला जी। अभी अग्नोत्री जी की टिप्पणी ले लेते हैं, अग्नोत्री के नाम पर 15 साल तक झूठ बोला, जिन लोगों ने 300 रुपए बोनस देने के नाम पर झूठ बोला, उनके मुंह से ये सवाल उचित नहीं लगते जी। देखिए दरअसल शोभित जी जी ये बात भाई मंत्री जी ने कहा तो हम केदारजी केदारजी अग्नोत्री जी को थोड़ा समय देंगे क्योंकि समय की कमी है, अग्नोत्री जी की भी टिप्पणी आ जाए तो अच्छा होगा। ये बात तो सही है, मुख्यमंत्री जी जो कह रहे हैं कि ये उनका विशेषाधिकार है, किसको मंत्री बनाना, किसको निगम मंडल में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष बनाना, किसको पद देना, ये मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है। ये बात सही है, और ये बात भी सही है कि चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे वो कांग्रेस हो या अन्य पार्टी जी। दिल्ली की ओर देखते हैं क्योंकि हाईकमान दिल्ली में है। सुभित जी आप सही कह रहे हैं कि दिल्ली से उनको अपना मत लेना पड़ता है या फिर परमिशन लेनी पड़ती है, कितना छोटा से छोटा मामला, ग्रीन सिग्नल तो लेना ही पड़ेगा जी। हाँ, तो चूंकि इतनी बड़ी पार्टी है और इतना भारी बहुमत से जीत करके आई है, जैसा कि घनश्याम जी आएंगे आपके पास, जैसा कि राम अवतार जी कह रहे हैं कि बहुत भारी जनमत जो है उनके समर्थन में उठ खड़ा हुआ पिछले विधानसभा चुनाव में, तो चूंकि बहुत सारे कार्यकर्ता उसके लिए लगे, बहुत सारे जो विधायक है वो भी उम्मीद में लगे मंत्री पद के, तो उन सब को भी संतुष्ट करना है, ये बात जरूर है जी। और शोभित जी आपको याद होगा कि जब सरकार का गठन हो रहा था जी, तब एक बात और निकल करके आई थी सूत्रों के हवाले से, छत्तीसगढ़ में 2.5-2.5 साल का कार्यकाल होगा, 2.5 साल भूपेश बघेल जी मुख्यमंत्री रहेंगे और 2.5 साल का कार्यकाल जो है उसके बाद बाबा साहब को टी एस सिंह आलाकमान की ओर से बात में इस बात को खारिज भी कर दिया गया था, भूपेश बघेल जी ने भी इस बात को खारिज किया था और टी एस सिंहदेव जी ने भी खारिज किया था इस बात को, खारिज किया। लेकिन जो अभी भी मैं आपको बता रहा हूँ, आज ही मेरी छत्तीसगढ़ में बहुत वरिष्ठ पत्रकार से बात हुई, तो जो टी एस बाबा का जो बयान आया और उसके बाद जो मुख्यमंत्री जी ने जो इस्तीफे की पेशकश की है वो उसी की सुगबुगाहट है जो पहले जो फार्मूला तय हुआ था हाईकमान के साथ में, तो हो सकता है उसका भी एक परिणाम हो कि मुख्यमंत्री को ऐसा बयान देना पड़ा इस्तीफे वाला जी। जी ठीक है, घनश्याम जी आप कुछ कहना चाहते हैं, बहुत संक्षिप्त में कहिएगा क्योंकि समय की कमी है जी। घनश्याम जी, कोरोना काल के इन परिस्थितियों में जिस प्रकार से निगम मंडल की नियुक्तियों पर वित्तीय घाटे की बात मेरे भाई केदार गुप्ता जी कर रहे हैं, मैं उनसे यही बात पूछना चाहता हूं, जो भी नियुक्तियां हो रही है वो संविधान और नियमों के आधार पर हो रही है, लेकिन 15 साल की डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार ने सीएम फेलोशिप के नाम पर लाखों रुपए का बंदर बांट करके इन्होंने नियुक्तियां की थी छत्तीसगढ़ की जनता की। अधिकारी कर्मचारियों को भत्ता तो दे दो, महंगाई भत्ता बाकी है, सातवें वेतन मान का आयोग का पैसा बाकी है, वो पैसा तो अपने पास रखे हो और उसके बाद निगम मंडल भी नियुक्ति कर रहे हो, उसका क्या होगा? अरे एक तरफ आप घाटे की बात करते हो, कारगेट चार्ट कार कम करने की बात करते हो, 200 करोड़ निगम मंडल को इस बात के लिए, अधिकारी कर्मचारियों का पैसा ले दो, चौथी किस्त किसान भाइयों को दे दो, किसान भाइयों की चौथी किस्त के आधार पर निगम मंडल में बैठोगे क्या मेरे भाई? अरे जिसका धान लिया उसको पैसा दे दो यार, उसके बाद फिर बन जाना। किसान भाई, प्रदेश के किसान भाई के धान का पैसा नहीं लिया अभी तक। सुन लीजिए, बोल नहीं पाएंगे आप भी।
आप जितने समीक्षा कांग्रेस की कर रहे हैं मुझे उचित लगता है कि मैं कह तो रहा हूँ ना, धान का पैसा दे दो मेरे मित्र, पहले किसान के धान का पैसा दे दो, चौथी की अधिकारी कर्मचारियों का घनश्याम जी की राजनीति समय समाप्त हो गया है। आखिर में ये सब पैसे घनश्याम जी की राजनीति समय समाप्त हो गया है। और डॉक्टर रमन सिंह जी के भ्रष्टाचार की जो यहाँ कलई खुली हुई है, ठीक है, एक बजे पे आगे जब मुद्दा रखेंगे बात कर लेंगे। घनश्याम जी चिंता भारतीय जनता पार्टी को उसकी करनी चाहिए समीक्षा, किसानों का पैसा दिलवा दो घनश्याम भैया, किसानों का चौथी किस्त आपको नहीं, चौथी किस्त बाकी है किसान की। घनश्याम जी, घनश्याम जी, घनश्याम जी, हमारे सवाल का जवाब दे दीजिए घनश्याम जी। घनश्याम जी, ये मान लो कि 17 दिसंबर से पहले सरकार के 2 साल पूरे होने से पहले दूसरी सूची आ जाएगी आपकी ओर से, सूची आ जाएगी। और आप देखिएगा कर्मठ कार्यकर्ता और मुनहार कार्यकर्ता जो प्रदेश के विकास में भागीदार हो, गढ़वो नव छत्तीसगढ़ की परिकल्पना जो माननीय भूपेश बघेल जी ने देखी है उसको साकार करने के लिए ये नियुक्तियों के नाम सामने आएंगे। चलिए घनश्याम जी, आपका माता जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद। केदार जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। रामता जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और अग्नोत्र बने रही है, आपसे आगे भी चर्चा करेंगे। तो छत्तीसगढ़ में भूपेश सरकार के 17 दिसंबर को 2 साल पूरे होने जा रहे हैं, ऐसे में उम्मीद यही जताई जा रही है कि निगम मंडल में नियुक्ति की जो दूसरी सूची है वो 4 से 5 दिन के अंदर आ सकती है। लेकिन मुद्दे की बात तो ये है कि दूसरी सूची में देरी क्यों हो रही है? क्या कांग्रेस को इस बात का डर है कि दूसरी सूची आने पर पार्टी में असंतोष पैदा हो सकता है, इसलिए नामों को लेकर अंतिम मोहर नहीं लग पा रही है, या फिर वाकई कुछ और वजह है? जैसा कि विपक्ष कह रहा है कि दिल्ली से नाम तय होते हैं, इस वजह से देरी पे